हांगकांग सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपने उस प्रत्यर्पण विधेयक को वापस ले लिया है जिसे लेकर पिछले 20 हफ्तों से प्रदर्शन का दौर चल रहा है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए थे, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद अब हांगकांग में शांति स्थापित हो सकती है। तो क्या है वो विधेयक और क्यों हो रहा था इसका विरोध, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कल तक हांगकांग की सड़कों पर लोकतंत्र के समर्थकों का सैलाब था जो सरकार के फैसले के खिलाफ सिस्टम से टकरा रहे थे, पुलिस से भिड़ रहे थे। हजारों लाखों की भीड़ एकजुट होकर यही मांग कर रही थी कि विवादित प्रत्यर्पण विधेयक को वापस लो। लेकिन आज हांगकांग में जश्न का माहौल है क्योंकि 5 महीने से विरोध के बाद हांगकांग सरकार झुक गई है। 20 हफ्तों से प्रदर्शन के बाद आज सरकार ने अपना प्रत्यर्पण विधेयक वापस ले लिया है। दरअसल हांगकांग सरकार इस साल की शुरुआत में एक कानून लाई थी जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपराध करके हांगकांग आ जाता है तो उसे जांच प्रक्रिया में शामिल होने के लिए चीन भेजा जा सकता है। कानून में संशोधन का प्रस्ताव एक घटना के बाद लाया गया जिसमें एक व्यक्ति ने ताइवान में अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर जिंदगी छीन ली और हांगकांग वापस आ गया था। हांगकांग की अगर बात की जाए तो ये चीन का एक स्वायत्त द्वीप है, चीन इसे अपने संप्रभु राज्य का हिस्सा मानता है। वही हांगकांग की ताइवान के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है जिसके कारण इस केस के लिए उस व्यक्ति को ताइवान भेजना मुश्किल है। अगर ये कानून पास हो जाता तो इससे चीन को उन क्षेत्रों में संदिग्धों को प्रत्यर्पित करने की अनुमति मिल जाती जिनके साथ हांगकांग के समझौते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही सरकार ये कानून लाई, हांगकांग के लोग सड़क पर उतर आए। दरअसल विरोधियों का कहना है कि इस कानून के पास होने पर हांगकांग में चीन का कानून लागू हो जाएगा और चीन मनमाने ढंग से लोगों को हिरासत में ले लेगा और उन्हें परेशान किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की इस लड़ाई में अमेरिका भी कूदा था जिसे लेकर चीन और वाशिंगटन आमने सामने आ गए थे, मगर अब हांगकांग सरकार झुक गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।